फाइनली बहुत दिनों बाद मार्केट में जॉब को लेके एक बहुत अच्छा सुधार आया है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज निकल रही है, लोगों को ऑफर लेटर मिल रहे हैं और अच्छी खासी कंपनी हायरिंग चल रही है। इनफैक्ट अगर मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो ना सिर्फ यहाँ पर ऑन साइट भेजने के लिए भी ना अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज निकली हुई है कंपनीज में, और वहां पर भी लोगों को भेजा जा रहा है, वहां पर भी लोगों को ऑफर लेटर मिल रहे हैं। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर होने वाली है, वो है नोटिस पीरियड जो हम सर्व करते हैं आफ्टर रेजिग्नेशन। लेटर मान लो मिल चुका है, कंपनी से रिजाइन आपने कर दिया है और अब बारी है नोटिस पीरियड सर्व करने की। सर्विस बेस्ड कंपनी एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी दोनों में जो लगभग नोटिस पीरियड सर्व किया जाता है वो होता है 90 डेज का। बहुत कम कंपनियां होती है जहां पर कम नोटिस पीरियड भी सर्व होता है, जैसे कि मेरी एक लास्ट कंपनी थी फिडेलिटी FIS, वहां पे नोटिस पीरियड 75 डेज था। तो अलग अलग भी हो सकता है बट मोस्टली मेजोरिटी ऑफ कंपनी में 90 डेज का नोटिस पीरियड सर्व किया जाता है जब आप रिजाइन कर देते हो। अब जो नोटिस पीरियड पे आप आ गए हो, उस नोटिस पीरियड को आप कैसे अच्छे से यूटिलाइज करोगे सो देट वो आपके करियर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, आपके करियर में एक अच्छी ग्रोथ लेके आए, आपके लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी देखें तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी इंप्रूव हो, आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखो। ये अक्सर क्या होता है, जब भी आपको कहीं से ऑफर लेटर मिल जाता है और आप रिजाइन कर देते हो तो यू आर लाइक कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो और उस खुशी के चक्कर में आप पार्टी वार्टी देने में लग जाते हो कि भाई अब तो तेरे भाई की जॉब लग गई है दूसरी कंपनी में, या अब तो तेरी बहन की जॉब लग गई है दूसरी कंपनी में, अब तो मैं कुछ दिनों में दूसरी कंपनी में जाने वाला हूँ, अच्छे पैकेज में जाने वाला हूँ, प्रमोशन डेजिग्नेशन के साथ मैं वहाँ पे ज्वाइन करने वाला हूँ, तो आप उसी में सेटिस्फाइड होते हो, खुश होते हो। लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों? ये सब चीजें गलत नहीं है, इंजॉय करो, खुशी मनाओ, लेकिन इसके साथ साथ जो आपके 90 डेज है उसको हमें थोड़ा सा स्मार्टली यूटिलाइज करना है सो देट आपका पास जो ऑफर लेटर है ना, आपके पास जो डेजिग्नेशन आपको जो मिली है उससे भी अच्छी डेजिग्नेशन है, उससे भी अच्छा आपको ऑफर लेटर आपका और भी अच्छा निकल सकता है। मुझे अब भी याद है जब मैं सोप्रा में थी और वहां पे जब मैंने रिजाइन दिया था, 90 डेज का नोटिस पीरियड था, एंड बिलीव मी गाइस मैंने इतना डेडिकेशन के साथ वहां पे पढ़ाई की ना उन 90 डेज में। ये एक प्लस पॉइंट रहा कि मेरा कि मैं जिस प्रोजेक्ट में थी वहां पर उतना ज्यादा काम भी नहीं था, तो मेरे पास अच्छा खासा टाइम मिल जाता था कि मैं अपनी एक्स्ट्रा स्टडी कर पाऊं, और मैंने उस टाइम को अच्छा खासा यूटिलाइज किया था। मैंने बहुत सारी जगह इंटरव्यूज दिए थे और बहुत सारे ऑफर लेटर भी निकाले थे और अच्छे अच्छे पैकेजेस में निकाले थे। तो सेम चीज आपको करनी है। देखो यहाँ पर ना दो चीजें आती हैं, आप जिस प्रोजेक्ट में अभी हो उसमें आप कितना ओवरलोडेड हो, कि मतलब वहां पे सारी चीजें स्मूथली चल रही हैं, या आप टाइम और ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हो क्योंकि आपके पास अच्छा खासा काम है और आपको टाइम लाइन दी जा रही है, डेडलाइन है और आपको अपने जीरा टिकट वगैरह फिक्स करने हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मोस्टली क्या होता है, दो चीज़ें होती है, डिपेंड करते हैं प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। कई बार जब आप नोटिस पीरियड पे आ जाते हो तो आपको काम देना कम शुरू कर देते हैं और जिस जो आपका रिप्लेसमेंट है उसको काम असाइन करना शुरू कर देते हैं और आपके पास काम कम रहता है, और इसके साथ साथ आपको जो एक एक्स्ट्रा काम दिया जाता है वो होता है KT आपको देनी है, नॉलेज ट्रांसफर आपको सेशंस ऑर्गेनाइज करनी है, और आपको अपने टीम मेंबर्स को या जो भी आपका रिप्लेसमेंट है उसको आपको देनी है, ठीक है। लेकिन कई केसेस में प्रोजेक्ट में अगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है, अच्छा खासा उनके पास काम आ रखा है, तो टिल द लास्ट डे वो आपको अच्छा खासा यूटिलाइज करेंगे और मतलब आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि मैं मतलब यहाँ पे नोटिस पीरियड में चल रहा हूँ। अच्छा खासा पूरा यूटिलाइज होंगे, पूरा आप पूरे दिन काम में लगे रहोगे और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा स्टडी का। वो एक एक्सेप्शन सिनेरियो है। ऑब्वियसली अगर आपके पास प्रोजेक्ट में ही बहुत सारा काम है तो वहाँ पे भी आप अच्छे से करो, वहाँ पे भी आपकी कहीं ना कहीं लर्निंग ही होगी। उसको ये लेके मत चलना कि भाई मैं नोटिस पीरियड में हूँ, मैं इस कंपनी से निकलने वाला हूँ, तो भाई अपना चलता हुआ काम चलेगा या फिर आधा ध्यान से कर रहे हो आधा नहीं कर रहे हो। आप इसको दूसरे एंगल से भी देख सकते हो कि भाई अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इससे मुझे मेरी भी लर्निंग हो रही है जो कहीं ना कहीं जाके मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देगी। दूसरा, इन केस अगर आपके प्रोजेक्ट में ज़्यादा काम नहीं है और आपके पास अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है तो आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है पूरा दिन। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा दिन अपने लैपटॉप में बैठ के पढ़ो या इंटरव्यूज़ क्वेश्चन की प्रिपरेशन करो या फिर अलग अलग आप कोडिंग के बारे में या अपडेट्स आप ले रहे हो, नॉट लाइक दैट। लेकिन मेरा कहना बस ये है कि भाई आप उस नोटिस पीरियड में ना रोज मतलब लेके चलो कि भाई मुझे 2-3 घंटे सिंसियरली पढ़ना है और मेरे ये टॉपिक्स हैं जो मुझे कवर करने हैं। इससे क्या होगा कि आप जब आगे भी इंटरव्यूज़ देते जाओगे तो जो जो आपकी वीक
वीक टॉपिक्स हैं उनको आप और ज़्यादा स्टडी करते रहोगे तो उनको आपके वो आपके जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर होते चले जाएंगे, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग भी इंप्रूव होती चली जाएगी। और इसमें होता क्या है ना कि जैसे जैसे आप लर्न करते चले जाओगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाओगे, फर्दर आप इंटरव्यूज दोगे तो आपको पता चलेगा, और जैसे जैसे आप उसको क्लियर करोगे तो आपको भाई जो आप ऑफर लेटर पहली कंपनी से लेके बैठे थे ना, फिर उसमें भी आप हाइक मांगते हो कि मान लो आपने आपका करंट पैकेज मान लो 3 लाख का है और आपने अभी स्विच किया और जो आपका फर्स्ट ऑफर लेटर मिला है उसमें आपको 5 लाख का पैकेज वो दे रही है। लेकिन आप फर्दर जैसे इंटरव्यूज क्रैक करोगे और वहाँ पे जब आपकी पूछा जाएगा पैकेज के बारे में तो आप क्या बोलोगे कि भाई मेरे पास 5 का तो पैकेज ऑलरेडी पड़ा है तो मुझे अब 6 लाख चाहिए या मुझे 7 लाख चाहिए या मुझे 6.5 चाहिए। इस तरीके से आपकी डिमांड बढ़ती रहती है और ये कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि भाई आप 3 से 5 पर ना जाके पता चलता है कि बंदा 3 से 6.5 लाख के पैकेज पर चला गया, 3 से सीधा 7 लाख के पैकेज पर चला गया। तो होगा क्या कि ना सिर्फ आप एक अच्छा ऑफर लेटर निकाल पाओगे, इसके साथ साथ आप काफी सारी चीजें सीख जाओगे, काफी सारी आपकी लर्निंग हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, आप अलग ही कॉन्फिडेंट रहोगे कि यस मुझे आती है चीजें, अब मैं कहीं भी इंटरव्यू दूं तो मैं रेडी हूं, मैं दे सकता हूं कहीं भी जाके इंटरव्यू, कभी भी कॉल आएगी यू विल ऑलवेज बी रेडी। और उसका एक और प्लस पॉइंट जो आपको मिलेगा वो ये कि इन केस आप कंपनी अपनी ज्वाइन कर लेते हो और वहां पे आपको समझ में नहीं आ रही है चीजें या आपको उनकी पॉलिसीज बाद में नहीं कुछ खास लग रही है, उनकी जो वर्किंग आवर्स है नहीं समझ में आ रहे हैं, तो स्टिल आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि भाई आप वापस से अपने कहीं और जाके इंटरव्यूज दे सकते हो, क्योंकि आपकी लर्निंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, आपने काफी सारी चीजें ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर रखी है, तो बस आपको इंटरव्यूज देने हैं, तो आप फर्दर इंटरव्यूज के लिए वापस अप्लाई कर सकते हो, दोबारा से आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने पहले ही काफी चीजें पढ़ रखी हैं और बस अब आपको इंटरव्यूज राउंड क्लियर करना है और वापस से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो किसी और कंपनी को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये थे मेरे कुछ टिप्स, आई रियली होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि भाई नोटिस पीरियड को आपको ठीक है आपको खुशी मनानी है, आप खुश हो सकते हो, खुशी होने वाली चीज है, लेकिन साथ साथ आपको पढ़ना भी है और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करना सब्सक्राइब, वीडियो को देना एक बड़ा सा लाइक। इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।